हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चेकमेट ट्रेड्स। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मेथड्स की, टॉप 10 अप्रोचेस की, जिसकी मदद से ट्रेंड एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस बहुत बहुत आसान हो जाएगा। 40 इंडिकेटर्स पे हम रिलाई नहीं करेंगे, सिर्फ एक इंडिकेटर को इस्तेमाल करके मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के ऊपर ट्रेंड को किस तरह से पहचाने, किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस को आसान किया जा सकता है, किस तरह हमें एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कप एंड सॉसर पैटर्न से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है, और सिर्फ एक सिंपल इंडिकेटर को लेकर के, कुछ चुनिंदा नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स को लेकर के ट्रेंड एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना, उनमें ट्रेड करना हो जाएगा बहुत बहुत आसान। सो ट्रेडर्स, अब तक आपने ये जान ही लिया होगा कि साइडवेज मार्केट में पैसे बनना बहुत बहुत मुश्किल है। आप कोई भी ट्रेड लीजिए किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन अगर आपका मोमेंटम मिसिंग है, अगर स्टॉक साइडवेज है, तो उसमें पैसा कमाना बहुत बहुत मुश्किल है। आज का ये वीडियो में जो 10 मेथड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस का, ट्रेंड एनालिसिस का, वो हम जानेंगे निफ्टी के ऊपर। लेकिन यही मेथडोलॉजी और यही सेटअप और यही सारे स्टेप्स आपके लिए वैलिड है टू बी एबल टू आइडेंटिफाई ट्रेंड ऑफ एनी स्टॉक, एनी स्क्रिप्ट इन दिस वर्ल्ड। उसी के साथ साथ बहुत बहुत जरूरी है आप सबके लिए अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, उसे चार्ट्स के ऊपर एस्टेब्लिश करना और उस ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना। और सबसे बेहतरीन चीज स्टॉक मार्केट की ये है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा कोई दिन नहीं होगा, ऐसा कोई आर नहीं होगा जिसमें एक इंट्राडे ट्रेडर को या स्विंग ट्रेडर को अप ट्रेंड स्टॉक ना मिले। सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कोई ना कोई स्टॉक अप ट्रेंड में जरूर ट्रेंड कर रहा होगा, और वहां पर पे बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बड़े आसानी से, बड़े सर्टेनिटी के साथ, एक डायरेक्शन का एनालिसिस बहुत क्लैरिटी के साथ आप ले सकते हो। और किसी भी अप ट्रेंडिंग या डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेकर यू कैन मेक कंसिस्टेंट इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट। सो ये 10 मेथड्स आर गोइंग टू चेंज योर गेम एंड चेंज योर मेथडोलॉजी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेंड एनालिसिस। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सिर्फ एक इंडिकेटर का, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एक ही इंडिकेटर को इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैंने चूज किया है मेरा चेकमेट फ्यूचर पिवट का अल्टीमेट वर्जन। इसका जो वन ग्रेड डाउनग्रेडेड वर्जन है, वो आपके साथ ऑलरेडी YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। अगर आपको इस इंडिकेटर की लिंक चाहिए, इस इंडिकेटर का एक्सेस चाहिए, तो एंड ऑफ द वीडियो आई टेल यू हाउ टू गेट दिस इंडिकेटर। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। चेकमेट फ्यूचर प्यूट इंडिकेटर में सबसे पहला जो सेटिंग है, मैंने यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट किया हुआ है, यानी डी फॉर डेली, वी डब्ल्यू फॉर वीकली, मंथली या ईयरली सीपीआर एंड कैमरल लेवल्स को मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक शॉर्टकट मेथड जिसको हम इंप्लीमेंट करेंगे चार्ट्स के ऊपर, एंड विद अ क्लिक ऑफ अ बटन मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। और आप अगर ट्रेडिंग व्यू का फ्री इंडिकेटर भी यूज करते हो, ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन भी यूज करते हो, तो यहाँ पर इसी एक इंडिकेटर यूज करके एक क्लिक ऑफ अ बटन यू विल बी एबल टू डू मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पिवोट रिजोल्यूशन मैंने ऑटो सिलेक्ट किया हुआ है, शो सीपीआर, शो कैमरा लेवल्स को मैंने टिक किया हुआ है, एंड 20, 50 एंड 200 SMAs, दैट इज अ सिंपल मूविंग एवरेज, उन्हें भी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो चार्ट के ऊपर आपको चार चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे पहला चीज जो आपको दिखाई दे रहा है वो है हमारा डेली का सीपीआर, और यहाँ पर है आपके जो ब्लैक लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं वो है कैमरिला के बाय जोन्स और सेल जोन्स। तो जब भी मैं कैमरिला बाय जोन की बात करूँ वो है कैमरिला L3 एंड L4, और जब भी मैं कैमरिला सेल जोन की बात करूँ, जहां से सेलिंग आता है, जहां पर सेलर्स एक्टिव होते हैं, वो है कैमरिला H3 और H4। तो सीपीआर और कैमरिला को हमने शॉर्ट आउट कर लिया है, लेट्स मूव ऑन। उसी के साथ साथ हमें तीन सिंपल मूविंग एवरेजेस भी चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है वो 20 मूविंग एवरेज है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज है। ये रेड कलर की लाइन जो है वो है 50 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 200 SMA, दैट इज अ 200 सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पर है। ट्रेंड एनालिसिस के लिए हम सिंपल मूविंग एवरेजेस की मदद लेंगे, आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी यूज कर सकते हो, इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। बट उसी के साथ साथ सीपीआर और कैमरिला को लेकर के आज करेंगे पूरा ड्रॉप टॉप डाउन एनालिसिस, किस तरह से करना है ट्रेंड एनालिसिस ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। वीडियो होगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर स्कैल्पर्स, फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, फॉर स्विंग ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स। बहुत ही क्रिटिकल वीडियो है, शॉर्ट एंड क्रिस्प, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे ही इस इंडिकेटर के ऊपर आप देखोगे, मैंने 15 मिनट की कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर सिलेक्ट की हुई है, और मैंने यहाँ पर मेरे फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सिलेक्ट किया हुआ है। तो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो मुझे इंट्राडे से लेकर के, स्कैल्पिंग से लेकर के इन्वेस्टमेंट तक का डिसीजन लेने में मदद करेंगे। अगर मैंने यहाँ पर 1 आवर की
कैंडलस्टिक को सिलेक्ट किया तो ये इंडिकेटर ऑटोमेटिकली वीकली सीएपीआर एंड वीकली कैमरा लेवल्स को प्लॉट करता है। अगर मैंने डेली पे सिलेक्ट किया तो ये इंडिकेटर ऑटोमेटिकली मंथली सीएपीआर एंड मंथली कैमरा लेवल्स को प्लॉट कर देता है। अगर मैंने वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न को सिलेक्ट किया तो ये इंडिकेटर आइडेंटिफाई कर लेता है खुद और ऑटो सिलेक्ट करता है ईयरली सीपीआर एंड ईयरली कैमरा लेवल्स, जो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग में काम में आएंगे। तो ट्रेंड एनालिसिस के लिए सबसे पहली चीज जिसे आपको जानना है, समझना है, वो मेथोडोलॉजी है नंबर वन, एंड दैट इज असेंडिंग सीपीआर। जैसे ही आपको एक अप ट्रेंड दिखाई देगा, जैसे ही आपको सीरीज ऑफ असेंडिंग सीपीआर दिखाई देंगे, तब आपको मान करके चलना है कि ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, ट्रेंड मोमेंटम जो है वो हाई है, अब स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ रैली करने वाला है, ये बुल रन का इनिशिएशन है। और इन सारे सिनेरियोज में आप हमेशा सीपीआर के ऊपर जो रीटेस्ट होता है वहां पे यू कैन टेक मल्टीपल ट्रेड्स, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। यहां पर कम से कम 6 से 7 अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाई दे रही है निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी बुल रन में है, निफ्टी अप ट्रेंड में है। ट्रेंड एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस इसलिए जरूरी है, एंड जस्ट बाय द लुक एंड द प्लेसमेंट ऑफ द सीपीआर। जब भी आपको दिखाई दे डेली सीपीआर जो पर्पल कलर का जो बैंड है 3 लाइंस का, जब भी वो असेंडिंग इन नेचर हो, हायर इन नेचर हो, एक के ऊपर एक बन रहा हो, एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं हो रहा हो, तब आपको दिखाई देता है कि अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, बुल रन स्ट्रॉन्ग है, कन्विक्शन के साथ आप डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड ले सकते हैं बड़े आसानी से और हाई परसेंटेज और श्योरिटी के साथ। यू कैन ईजिली मेक मनी जस्ट बाय लुकिंग एट द सीपीआर। मेथड नंबर टू, राइजिंग कैमरेला बाय जोन्स। अगर आपको अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, देन यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द बाय जोन्स ऑफ द कैमरेला। तो कैमरेला L3 एंड L4 जो है वो बाय जोन है, और जब भी बाय जोन्स प्रीवियस डे के मुकाबले, प्रीवियस डे के कंपैरिजन में हायर इन नेचर होंगे, असेंडिंग इन नेचर होंगे, तब आपको मान करके चलना है कि आपका स्क्रिप्ट, आपका स्टॉक, आपका जो भी स्टॉक हो दुनिया का, किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का, कोई भी स्टॉक अगर असेंडिंग कैमरेला यानी हायर कैमरेला बाय जोन्स क्रिएट करता है डे ऑन डे बेसिस के ऊपर फॉर एटलीस्ट 3 to 4 days और 200 EMA के ऊपर ट्रेड करता है, जिसपे मैं बाद में आऊंगा, तो आपको मान करके चलना है कि ये बुल रन है, ये अप ट्रेंड है, और आपके लिए डायरेक्शन का एनालिसिस बड़ा बड़ा आसान हो जाता है। और बहुत ही आसानी से विद इन फ्यू सेकेंड्स यू कुड नो दैट यू आर इन एन अप ट्रेंड, एंड हर एवरी टाइम देर इज अ रीटेस्ट ऑफ अ कैमरेला बाय जोन यू कैन गो लॉन्ग इन द स्टॉक। कल भी ऐसा ही हुआ था स्टॉक में, हमने इसमें भी लॉन्ग पोजिशन ली थी कल निफ्टी में, 0 to 0 कॉल हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था, एंड दिस विल कीप हैपनिंग इन द अप ट्रेंड। तो यहां पर देखोगे देयर इज वन अपॉर्चुनिटी ओवर हियर बाय जोन टेस्ट हुआ है, देयर इज सेकंड अपॉर्चुनिटी ओवर बाय जोन टेस्ट हुआ है, देयर इज अ थर्ड अपॉर्चुनिटी ओवर हियर जहां पे कैमरेला का बाय जोन असेंडिंग इन नेचर था, बुलिश इन नेचर था, और हर बार कैमरेला का बाय जोन से बाइंग इनिशिएशन होगा, वहां पर बायर्स वेट करेंगे टू बाय द स्टॉक एट द चीपेस्ट वैल्यूएशन, एंड दैट इज द मोस्ट अमेजिंग रिवर्सल ट्रेड्स दैट यू कुड रिलाई ऑन। सो ट्रेडर्स, हमने पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 में सीपीआर एंड कैमरल लेवल्स के असेंडिंग नेचर को, हायर इन नेचर को, बुलिश नेचर को समझा। इस नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स को लेकर के आप ये मान करके चलिए कि जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में होगा तो सीपीआर असेंडिंग नेचर में होंगे, हायर इन नेचर होंगे, एक दूसरे से अपर इन नेचर होंगे। उसी तरह कैमरेला का बाय जोन जो है वो भी हायर इन नेचर होगा, असेंडिंग इन नेचर होगा, एंड दैट्स व्हाई यू कुड एस्टैब्लिश दैट आपका स्टॉक है अप ट्रेंड में। और कोई भी स्टॉक अगर अप ट्रेंड में होगा तो ये सीपीआर और ये कैमरा लेवल्स के जो बिहेवियर है वो नेवर चेंजिंग है, जिसे किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये लेकर आएगा आपके ट्रेडिंग में एक एज, एक सर्टेनिटी और एक हाई प्रोबेबिलिटी। उसी के साथ साथ लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 3। तीसरा जो तरीका है जिससे हम ट्रेंड एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को बड़े आसानी से चार्ट्स पे एनालाइज कर सकते हैं, वो है सिंपल मूविंग एवरेजेस। तो सिंपल मूविंग एवरेजेस के लिए हमने यहाँ पर मदद ली है 20 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज की, अलॉन्ग विद 200 सिंपल मूविंग एवरेज। अगर अप ट्रेंड है तो मान करके चलिए कि 20 एंड 50 मूविंग एवरेजेस विल गिव अ क्रॉसओवर अबाउट 200 मूविंग एवरेज, 200 EMA के ऊपर ट्रेड करेगा 50 एंड 20 का रेलवे ट्रैक पैटर्न। इसे मैं रेलवे ट्रैक पैटर्न कहता हूं क्योंकि ये एक रेलवे ट्रैक के ऊपर, जैसे ट्रेन एक पटरी के ऊपर चलती है, उसी तरह ये ट्रैक बहुत ही एस्टैब्लिश रहता है चार्ट्स के ऊपर, एक दूसरे के साथ ये मिक्सअप नहीं होता है, एंड द ट्रैक कंटिन्यू and keeps pushing the price upwards। अगर आप एक स्कैल्पर है, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम से आप शुरू कर सकते हैं, और जब भी सिंपल मूविंग एवरेजेस मतलब ये ट्रैक के अंदर जब भी आपको एक रीटेस्ट मिले,
तब यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी इन निफ्टी और एनी अदर स्टॉक दैट यू आर ट्रेंडिंग। ये मान करके चलिए अगर अप ट्रेंड है तो रेलवे ट्रैक पैटर्न जो होगा वो 45 डिग्री के एंगल में ट्रेड करता रहेगा इन एन अप ट्रेंड। ट्रेंड एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के लिए मेथड नंबर 4 है लुकिंग एट द रेलवे ट्रैक पैटर्न ऑन एन हायर टाइम फ्रेम। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर आप एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हो एज अ स्विंग ट्रेडर, तो आपको बस यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सिंपल मूविंग एवरेजेस का एनालिसिस करना है। मैंने सिर्फ टाइम फ्रेम को चेंज किया हुआ है लेकिन यहाँ पर एक स्कैल्पर और एक इंट्राडे ट्रेडर वर्सेस एक स्विंग ट्रेडर का डिफरेंशिएशन आ जाता है। अगर आपको हायर सिंपल मूविंग टाइम फ्रेम के ऊपर सिंपल मूविंग एवरेजेस को एनालाइज करना है तो आप देखोगे जैसे ही मैंने 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे चेंज कर दिया है वैसे ही मेरा रेलवे ट्रैक पैटर्न है वो ब्रॉडन हो गया है, वो स्ट्रॉन्गर हो गया है, वो स्ट्रेंथन हो गया है, वो मोटा हो गया है। इसका मतलब ये है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको रेलवे ट्रैक पैटर्न दिखाई देगा कि वो क्रिस क्रॉस हो चुका है या फिर डाउन अप ट्रेंड या यहाँ पर आप देखोगे एक छोटा सा क्रॉस ओवर है 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जहाँ पे 20 एंड 50 मूविंग एवरेजेस एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। लेकिन एक स्विंग ट्रेडर के लिए एक स्विंग इज ऑन अ हायर टाइम फ्रेम जो काफी दिनों तक एक बुल रन काफी दिनों तक वैलिड रहता है। तो उन सारे स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये एक ट्रिक है कि आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यानी 30 मिनट के कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे यू वुड रियलाइज कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक पैटर्न आज भी इंटैक्ट है एंड द अप ट्रेंड एंड द बुल रन स्टिल कंटिन्यूज। तो बिफोर अपना जो बायस है वो चेंज करने से पहले जिसके पहले आप कंक्लूड ना कर ले कि अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, बुल रन खत्म हो चुका है, बिफोर यू टेक एनी शॉर्ट ट्रेड्स इन एनी अप ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट एक बार प्लीज 15 मिनट से स्विच होकर 30 मिनट एंड 1 आवर के रेलवे ट्रैक पैटर्न के ऊपर आपके ट्रेड्स को जरूर एनालाइज कीजिए बिफोर यू टेक एनी अपोजिट ट्रेड्स इन अपोजिट डायरेक्शन। सो दैट वॉज मेथड नंबर 4, सीक्रेट नंबर 4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेथड नंबर 5 एंड दैट इज असेंडिंग सीपीआरस। मेथड नंबर 5 टू डू ट्रेंड एनालिसिस ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर इस चार्ट के ऊपर एट प्रेजेंट कैंडलस्टिक की टाइम फ्रेम 30 मिनट की है, जो सीपीआर आपको दिख रहा है और जो कैमरिनल लेवल्स आपको दिख रहे हैं वो डेली टाइम फ्रेम के हैं। लेकिन अगर आपको हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड एनालिसिस को जानना है कि इस वीक में क्या हो रहा है, क्या इस वीक में मोमेंटम है, क्या इस वीक में एक हायर मूव आ सकता है कि नहीं, क्या इस वीक में एक ब्रेकआउट हो सकता है कि नहीं, तो आपको बस इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 1 आवर की कैंडलस्टिक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने 1 आवर की कैंडलस्टिक पैटर्न को सिलेक्ट किया ये इंडिकेटर ऑटो डिटेक्ट करेगा कि आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आप एक हायर टाइम फ्रेम का व्यू जानना चाहते हो एंड देन इट विल गिव यू अ वीकली सीपीआर एंड वीकली कैमरिला लेवल्स। तो स्विंग ट्रेडर के लिए ये जो क्लैरिटी है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई ऑलवेज से अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको बहुत सारे अपस्विंग्स और बहुत छोटे छोटे स्मॉलर करेक्शंस मिलेंगे, हायर हाइज मिलते रहेंगे और वहां पे रेलवे ट्रैक पैटर्न डिस्ट्रैक्ट होते रहेगा, डिस्टर्ब होते रहेगा। लेकिन आप जैसे ही 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हो, 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हो, देन यू वुड रियलाइज, अ स्विंग ट्रेडर विल रियलाइज कि अभी भी निफ्टी बुल रन में है, अभी भी एक अपमूव आने का पोटेंशियल है, अभी भी मेरा बायस जो होगा इंट्राडे बेसिस के ऊपर या वीकली ऑप्शंस और कॉल्स को बाय करते वक्त, तब मैं अप ट्रेंड के बारे में सोचूंगा, बायिंग डायरेक्शन में ट्रेड्स लूंगा। तो यहां पर आप देखोगे मैंने यहां पे जो बैंड आपको दिखाई दे रहा है 3 लाइंस का वो है वीकली सीपीआर और यहां पर है वीकली कैमरिला लेवल्स। तो यहाँ पर आप जान करके चलिए अप ट्रेंड जो है और ये जो एनालिसिस जो मैंने आपके साथ शेयर किया था असेंडिंग सीपीआर का, हायर सीपीआर का और राइजिंग बाय जोन्स का, वो हर टाइम फ्रेम के ऊपर एक नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल है। अगर अप ट्रेंड है तो सीपीआर और कैमरिला के बाय जोन्स जो होंगे वो ऑलवेज हायर इन नेचर होंगे, अपवर्ड्स इन नेचर होंगे और एवरी टाइम निफ्टी कम्स डाउन टू अ वीकली बाय जोन यहाँ पर से फिर से बाइंग इनिशिएशन आपको मिलता रहेगा और यही होते आ रहा है, इवन डाउन ट्रेंड में भी यही होता रहेगा। तो वीकली में द पॉइंट नंबर 6 जिससे ट्रेंड एनालिसिस आपके लिए क्लैरिटी लेकर आएगा वो है असेंडिंग सीपीआरस, हायर सीपीआरस। तो जब भी आपके सीपीआरस हायर इन नेचर होंगे, असेंडिंग इन नेचर होंगे ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, मान करके चलिए कि आप इन अ बुल रन है, आप अप ट्रेंड में है, आपको बाइंग के बारे में सोचना है। उसी के साथ साथ मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जब भी कैमरिला के बाय जोन्स वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हायर इन नेचर होंगे, एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं हो रहे होंगे, एक दूसरे से काफी दूर प्लेस्ड आउट होंगे, तब जान करके चलना है कि बुल रन में मोमेंटम भी है, बुल रन में बहुत सारा स्ट्रेंथ भी है और बुल रन इज गोइंग टू गिव हायर हाइज वेरी रैपिडली। इसलिए आपको जितने भी हर करेक्शन के ऊपर बाइंग के बारे में सोचना है लुकिंग एट वीकली सीपीआरस एंड वीकली कैमरिला लेवल्स। नाउ
सो हमने सात मेथड्स को अभी तक सीख लिया है, डेली सीपीआर एंड वीकली सीपीआर एंड कैपिटल लेवल्स को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, मेथड्स को समझ चुके हैं, अप ट्रेंड के प्रिंसिपल्स और बिहेवियर्स को जान चुके हैं. लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर एट, मेथड नंबर एट, जिससे हम करेंगे स्विंग एनालिसिस ऑन अ हायर टाइम फ्रेम. अब इस चार्ट के ऊपर डेली की कैंडलस्टिक नहीं है, यहाँ पर आर्ली कैंडलस्टिक पैटर्न प्लॉट की हुई है और यहाँ पर वीकली सीपीआर और वीकली कैंडल लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं. द मोमेंट आई क्लिक ऑन डेली कैंडलस्टिक पैटर्न, ये इंडिकेटर ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो और आप हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस करना चाहते हो, और वो ऑटोमेटिकली आपके लिए वीकली सीपीआर और वीकली मंथली सीपीआर एंड मंथली कैमरल लेवल्स प्लॉट कर देगा. तो यहाँ पर अब जो आप सीपीआर देख रहे हो वो मंथली सीपीआर है और ये जो कैमरेला के लेवल्स है वो सारे मंथली कैमरल लेवल्स है. अगेन द मेथड नंबर एट इज वेरी वेरी सिंपल. अगर आपको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के एनालिसिस करना है तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो मंथली के सीपीआर है वो डिसेंडिंग इन नेचर रहेंगे. तो आप मान करके चलिए कि आपका जो स्टॉक है, आपका जो स्क्रिप्ट है, आपका जो इंडेक्स है, आपका जो सेक्टर है वो डाउन ट्रेंड में है, आपको सेलिंग के बारे में सोचना है, आपके इन्वेस्टिंग पोजीशंस को बुकआउट करने के बारे में सोचना है. उसी के साथ साथ मेथड नंबर एट है बाय लुकिंग एट दी कैमरेला प्लेसमेंट. अगर आप डाउन ट्रेंड में है, अगर आप एक लोअर सीपीआर का श्रृंखला दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर, तो आपको बस एक बार नोटिस करना है कि आपका कैमरेला का जो सेल जोन होगा जहां से सेलिंग आती है वो भी डिसेंडिंग इन नेचर होगा, एक दूसरे से दूर सटा हुआ होगा, एक दूसरे के अंदर मिक्स्ड अप नहीं होगा, और इसीलिए आपको पता चल जाएगा कि नीचे की तरफ का स्ट्रेंथ बहुत हाई है, मोमेंटम बहुत हाई है, आपका स्क्रिप्ट, आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में है. एंड जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा और जब भी वो कोलेड कोलिजन होगा या सेल जोन के अंदर एंटर करेगा, तो ट्रेडर्स मैंने यहाँ पर आपके लिए जूम करके एक बार आपको डाउन ट्रेंड समझा देता हूँ. प्राइस प्रिंसिपल सेम रहेंगे, बिहेवियर सेम रहेंगे, ओनली रिवर्स इज गोइंग टू हैपन. तो यहाँ पर आप देखोगे डाउन ट्रेंड में सीपीआर और कैमरा लेवल्स डिसेंडिंग इन नेचर है. जो भी करेक्शन आपको अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, भले वो ये करेक्शन हो या फिर ये करेक्शन हो, ये सारे करेक्शन जो है वो एक पुल बैक है, वो एक लोअर हाई क्रिएट कर रहे हैं और वहां पर एक मंथली सीपीआर और मंथली कैमरा लेवल जो है वहां पर बड़ी बखूबी से गारंटी के साथ, सर्टेनिटी के साथ प्राइस को नीचे की तरफ पुश करेंगे until and unless a massive reversal happens. आपको ये बात जान करके चलना है कि जब भी एक हायर डायरेक्शन में करेक्शन आएगा तो अभी आपको कैमरल लेवल्स के ऊपर सेलिंग के बारे में सोचना है, क्योंकि यहाँ पर सेलर जो है, स्मार्ट ट्रेडर्स जो है, बिग फंड हाउसेस जो है, वो हायर वैल्यूएशन के ऊपर बेचने के बारे में सोचेंगे. एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में यू हैव टू सेल एट द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस है मंथली सीपीआर एंड रेजिस्टेंस है मंथली कैमरल लेवल्स. तो इस तरह की क्लैरिटी और इस तरह की बखूबी से ट्रेंड एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस आप कर सकते हो विदाउट ड्रॉइंग एनी ट्रेंड लाइंस. बड़े आसानी से आप स्कैनर्स क्रिएट कर सकते हो और बड़े आसानी से क्लैरिटी के साथ विदाउट वरिंग अबाउट कि कौन सा पैटर्न चार्ट के ऊपर क्रिएट हो रहा है, विदाउट डूइंग एनी ज्योमेट्री एंड ड्रॉइंग ऑन योर चार्ट्स, जस्ट बाय विजुअल्स यू कैन आइडेंटिफाई कि आपका स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है. मेथड नंबर 9 बहुत बहुत एसेंशियल है एक स्विंग ट्रेडर के लिए, ये जानना कि उसके लिए डाउन ट्रेंड है और रिवर्सल अभी तक आया नहीं है, और वो मेथड है लुकिंग एट द रेलवे ट्रैक पैटर्न. तो जब भी आप डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के, जैसे कि मैंने कहा 15 मिनट का टाइम फ्रेम का रेलवे ट्रैक पैटर्न एसेंशियल है, जरूरी है एक स्कैल्पर के लिए, उसी तरह 1 आवर का एंड 30 मिनट का रेलवे ट्रैक पैटर्न जो है वो एसेंशियल है, जरूरी है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए, उसी तरह डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर जब भी आपको रेलवे ट्रैक पैटर्न दिखाई देगा तो वो बहुत बहुत एसेंशियल है, क्लैरिटी आपको देगा ट्रेंड एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस में आपको हेल्प करेगा फॉर एवरी पोजिशनल ट्रेडर एज वेल एज स्विंग ट्रेडर. जब भी एक रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आएगा तो सीपीआर और कैमरा लेवल्स अपने काम तो जरूर करेंगे, लेकिन जब तक रेलवे ट्रैक पैटर्न डाउन ट्रेंड में एग्जिस्ट कर रहा है और कैंडल्स आर नॉट एबल टू ब्रीच द 50 SMA, यहाँ पर देखो क्या खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है टू शॉर्ट द निफ्टी एट द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यूएशन. सबसे टॉप के ऊपर निफ्टी को शॉर्ट करना बड़ा बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आप SMAs की स्टडी भी कंबाइन करें विथ योर CPRs और कैमरा लेवल्स. बड़े ही सोच समझकर और रिसर्च करके मैंने एक इंडिकेटर को क्रिएट किया है जिसमें सिंपल मूविंग एवरेज बड़े ही आसानी से आपको ट्रेंड एनालिसिस और रेलवे ट्रैक पैटर्न को इस्तेमाल करने में मदद करते हैं. उसी के साथ साथ नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स को अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए, सीख पाए, एस्टैब्लिश कर पाए ट्रेडिंग जर्नी में, तो आपके लिए ट्रेंड एनालिसिस करना हो जाएगा अ पीस ऑफ केक. Let's get started on the last and most important analysis for an investor as well as a positional trader, और वो है on a yearly CPR and yearly camera levels. तो यहाँ पर अगर मैंने सिर्फ वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न को सिलेक्ट किया या क्लिक किया तो इंडिकेटर यह जान लेता है, पहचान लेता है कि आप एक इन्वेस्टर हो और एक आप हाईएस्ट मोस्ट
इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करना चाहते हो तो इंडिकेटर प्लॉट करेगा चार्ट्स के ऊपर हमारे ईयरली सीपीआर को और ईयरली कैमरा लेवल्स को। ईयरली सीपीआर और ईयरली कैमरा लेवल्स आर द ग्रैंडफादर ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। जो ईयरली सीपीआर कर रहा है हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, जिनका बड़े विजन के साथ जो इन्वेस्टर्स मार्केट में पैसा डाल रहे हैं ऑन चीपर वैल्यूएशंस, उनका जो मार्केट को मूव करते हैं उनके हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम्स रिएक्ट करती है। आपको बहुत सारे रिवर्सल ट्रेड्स लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम और ऑन अ डेली और वीकली कैमरा लेवल्स और सीपीआर लेवल्स। लेकिन अगर एक इन्वेस्टर के लिए जानना है कि उसका स्टॉक अप ट्रेंड में है या नहीं, क्या वो अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकता है फॉर मोर 5 to 10 years, तो वो सिर्फ लुकिंग एट द ईयरली सीपीआर एंड ईयरली कैमरा लेवल्स अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकता है। उसी की तरह अगर आप एक बेस्ट पॉसिबल स्टॉक में, जिसको फंडामेंटली ग्रेट स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर उसे आप चीपर वैल्यूएशन के ऊपर बाय करना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यू कुड लुक फॉर। यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी, देखोगे पिछले 3 सालों से असेंडिंग सीपीआर्स क्रिएट किए जा रहा है और इसलिए निफ्टी जो है वो अप ट्रेंड में है। और जब भी आपको ईयरली सीपीआर के ऊपर रीटेस्ट मिलता है या ईयरली कैमरा लेवल्स के ऊपर बाय जोन के अंदर बाइंग आती है, स्मार्ट ट्रेडर्स एंड बिग फंड हाउसेस जो चीपर वैल्यूएशन के ऊपर को बाय करने में मानते हैं, जानते हैं और भरोसा रखते हैं, वो सारे कैमरेला के बाय जोन में बाय करेंगे ईयरली। और यही अपॉर्चुनिटी आपको ईयर ऑन ईयर मिलती रहेगी आपके पसंदीदा स्टॉक्स में भी। तो असेंडिंग सीपीआर ईयरली बहुत बहुत एसेंशियल है फॉर योर स्टॉक टू बी इन अ हायर डायरेक्शन, इन अ ट्रेंडिंग डायरेक्शन, इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। और आपको बाइंग के बारे में सोचना है जब भी आपका सीपीआर और कैमरेला बाय जोन का रीटेस्ट आपको मिलता है ऑन एन ईयरली टाइम फ्रेम। उसी तरह अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो तभी जब भी डाउन ट्रेंड में होगा आपका स्टॉक, कोई भी स्टॉक लेकर के चलिए। तो एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ईयरली सीपीआर और ईयरली कैमरा लेवल्स को देख करके किस तरह आप एनालिसिस कर सकते हो। तो आप मदर एंड सुमी को देखोगे तो पिछला 2018 से वो डाउन ट्रेंड में है, तो जैसे ही वो डाउन ट्रेंड में है वैसे ही आप सीपीआर की श्रृंखला देखोगे तो वो डिसेंडिंग इन नेचर है, लोअर इन नेचर है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर रेलवे ट्रैक पैटर्न भी लोअर इन नेचर है, हाई मोमेंटम के साथ पूरे 3 सालों तक मदर एंड सुमी करेक्ट होता रहा। एंड आप कैमरेला के सेल जोन्स भी देखोगे देन दे आर लोअर इन नेचर। जब भी स्टॉक अप ट्रेंड एक पकड़ लेता है या अपस्विंग देता है तो ईयरली सीपीआर उसे रेजिस्ट करके इट विल ट्राई टू पुश इट डाउनवर्ड्स। उसी तरह वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो आरटी इंडस्ट्रीज को अगर आप देखोगे और आप ट्रेंड समझने की कोशिश करोगे तो मैं ईयरली सीपीआर की बात कर रहा हूँ, तो पिछले 7-8 सालों से आरटी इंडस्ट्रीज वॉज इन अप ट्रेंड। तो आप देखोगे यहाँ पर आप देखोगे सीपीआर, देखिए ईयरली सीपीआर आर असेंडिंग इन नेचर, हायर इन नेचर, और कैमरेला का बाय जोन है बड़े बखूबी से, ईयर ऑन ईयर आपको एक मौका दे रहा है टू इन्वेस्ट इन दो स्टॉक्स। तो आपको ये इन्वेस्टमेंट के मौके डेफिनेटली मिस आउट नहीं करने हैं इन एन अप ट्रेंडिंग स्टॉक जो फंडामेंटली अच्छा हो। तो मैंने स्टार्ट टू एंड आपको 10 मेथड सिखा दिए हैं। इस पर्टिकुलर टेक्निक को इस्तेमाल करके ट्रेंड एनालिसिस और आपका टेक्निक एनालिसिस हो जाएगा बहुत बहुत आसान, एंड एनी न्यू बी ट्रेडर से लेकर एडवांस ट्रेडर बड़े आसानी से विदाउट हैविंग टू रीड लॉट ऑफ बुक्स, विदाउट हैविंग टू फॉलो एनी यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट, विदाउट नीडिंग एनी मेंटोर, अगर आसानी से आप इस बेसिक नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ट्रेंड एनालिसिस, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। अगेन फिर से एक बार रिमाइंडर है, मैं सिर्फ और सिर्फ रेकमेंड करता हूं हर इंट्राडे ट्रेडर के लिए और स्विंग ट्रेडर के लिए टू टेक ट्रेड्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ ट्रेंड एंड ऑलवेज इन्वेस्ट इन टू स्टॉक्स, ऑलवेज टेक ट्रेड्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ ट्रेंड जहां पर हाई मोमेंटम है। इसलिए आपको अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना है सीपीआर और कैमरा लेवल्स के प्लेसमेंट्स को देख करके, और सिर्फ हाई मोमेंटम और हाई ट्रेंडिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, पैसों को बेट करना है टू डेफिनेटली मेक जस्टिस टू योर ट्रेडिंग कैपिटल। साइडवेज मार्केट से दूर रहिए एंड यू कैन लुक फॉर सीरीज ऑफ ट्रेड्स, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड जो है लोगों की यह धारणा है कि शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिस्ट करता है, बट नहीं, आप हजारों स्टॉक्स देखोगे डे ऑन डे मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर जो काफी हफ्तों से, काफी दिनों से और कुछ स्टॉक्स तो कुछ महीनों से अप ट्रेंड में कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो प्लीज ट्रेंड एनालिसिस को इस ध्यान से देखिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये 10 मेथोडोलॉजीज एंड 10 सीक्रेट्स ऑफ ट्रेंड एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे, आप इसे जरूर इनकॉर्पोरेट कीजिए आपके ट्रेडिंग जर्नी में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आपके दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। प्लीज ये जो नॉलेज है वो मुझे स्प्रेड करने में हेल्प कीजिए। वीडियो पसंद आया तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारा माल पड़ा है दोस्तों जो आपका ट्रेडिंग जर्नी, आपका पर्सपेक्टिव कंप्लीटली बदल देगा। सो प्लीज वॉच ऑल द प्लेलिस्ट दैट आई हैव क्रिएटेड ऑन माय यूट्यूब चैनल, इट इज गोइंग टू चेंज योर ट्रेडिंग जर्नी इन ऑल टुगेदर। If all the content is available absolutely free, so good luck, बहुत बहुत शुक्रिया, see you in the next video, cheers, bye.